अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसे हो? मम्मा यार एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन दूर कर दो मुझे ना। वो मूंग की दाल कौन सी होती है वो बता दो। कौन सी दाल मूंग की, ये मूंग की है? हाथ में निकाल तभी तो पता चले कि कहाँ से। अच्छा ये है मूंग की। नो दिस इज नॉट मूंग की दाल। दिस इज व्हाट, छोटे पीले दाने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पीले दाने होते हैं। ये वाली? हाँ दिस इज मूंग की दाल। अच्छा दिस इज मूंग की दाल। चलो बस यही पूछना था, अभी बाद में कॉल करता हूँ, क्या मैं बताऊंगा। आज मेरी रेसिपी है, आज मैं खुद बना के आपको कॉल करता हूँ। बाय। क्या पका रहे हैं यार? आज जिस डिश की रेसिपी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो लॉकडाउन के टाइम हमने पूरे इंडिया में बनते देखी, और उसका नाम है माइग्रेंट खिचड़ी। माइग्रेंट खिचड़ी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कुछ तबे कुचले सिस्टम द्वारा बारीक कटे हुए माइग्रेंट्स, एक बड़ा लापरवाह प्रशासन, परसों पुरानी पकी हुई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, काफी सारा सरकारी बेशरम मसाला, नाम मात्र लेबर लॉज और ढेर सारी इंसानी इंसेंसिटिविटी समाज अनुसार। सबसे पहले मजदूरों को इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में काफी देर के लिए भिगोए रखें, फिर ताजा मजदूरों को उनकी जमीन से तोड़कर रोजगार के पानी में भिगोते। जब मजदूरों की सारी सॉलिड उम्मीदें हवा होने लगे तो समझ लीजिए कि उनका स्टेट चेंज हो गया है, और अब ये मजदूर सूझकर माइग्रेंट्स का शेप ले लेंगे। जब माइग्रेंट्स लॉकडाउन की तेज आंच में एक महीने तक भुन रहे हों तो बीच बीच में थोड़ा हल्दी अजवाइन, हेल्दी आश्वासन डालते रहें। अब देखिए, जब माइग्रेंट्स काफी पक चुके हों तो ढेर सारा सरकारी बेशरम मसाला डाल के उन्हें ऊपर से एक और लॉकडाउन से पूरी तरह ढक दें। इससे माइग्रेंट्स पूरी तरह जल के सख्त हो जाएंगे, तब नाम मात्र लेबर लॉज और इनसेंसिटिविटी को समाज अनुसार डालकर तब तक हिलाते रहें जब तक माइग्रेंट्स की खिचड़ी ना बन जाए। ध्यान रहे इनकी सीटी ना लगाएं, क्योंकि सिटी इनकी पहले ही लगा चुकी है। अब माइग्रेंट खिचड़ी को फेसबुक और इंस्टा पे हैशटैग आत्मनिर्भरता के ज्ञान से गार्निश करके सर्व करें। अगर आपकी गट सेंसिटिव है और माइग्रेंट खिचड़ी से आपका जायका और हाजमा खराब होने लगे तो उसी वक्त कहिए बस। फिर डिजर्ट में थोड़ी सी सोनू पापड़ी के साथ आप देखेंगे कि आपके मुंह का स्वाद और दिमाग की सोच थोड़ी थोड़ी सुधरने और बदलने लगी है। All I want to say guys is यार साबूदाना हो, अरहर हो, उड़द की दाल हो, मूंग की दाल हो, यार किसी भी चीज़ की खिचड़ी बनाओ या बनवाओ, पर माइग्रेंट्स की खिचड़ी और बेरोजगारी का रायता और ना फैलाओ। इट्स टाइम टू बी काइंड, इट्स टाइम टू हेल्प द लेस फॉर्चुनेट। चलो बहुत ज्ञान हो गया, दैट्स साकिब फूड फॉर थॉट। अच्छा लगे तो शेयर करो और सबको बताओ कि साकिब क्या पका रहा है यार। अरे चम्मच नहीं लाया। चलो बाय गाइस, सी यू।